देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बढ़ता हुआ प्रदूषण देश के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिस पर केंद्र राज्य सरकार से लेकर एनजीटी तक चिंतित है। हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसकी चार जिलों की डिविजनल लेवल मीटिंग अम्बाला शहर के पंचायत भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन प्रीतम पाल ने की। पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र का प्रशासन डीसी के माध्यम से इस मीटिंग से जुड़ा है। एनजीटी मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से जिला एनवायरमेंट प्लान टीमों से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए गए कामों को लेकर चर्चा की गई और सॉलिड और प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल सीवरेज, लिक्विड वेस्टेज पर दिए गए पिछले आदेशों पर अधिकारियों की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। ज्यादा जानकारी देते हुए कमेटी चेयरमैन प्रीतम पाल ने बताया कि सभी जिलों की कमेटियों को पेंडिंग निर्देशों को 30 नवंबर तक पूरा करने के लिए समय दिया गया है, जिसके बाद लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनजीटी को लिखा जाएगा। वहीं दिवाली से पहले हरियाणा सरकार की ओर से पटाखों पर लगाए हुए बैन को लेकर चेयरमैन प्रीतम पाल ने कहा कि हमारे वातावरण में प्रदूषण पहले ही बहुत खतरे के निशान पर है, लोगों को खुद समझदारी दिखाते हुए पटाखे नहीं चलाने चाहिए। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कि उस पे एनवायरनमेंट प्लान्स के ऊपर कितना काम हुआ है, हर एक इशू के ऊपर, चाहे वो सॉलिड वेस्ट का है, चाहे प्लास्टिक वेस्ट का, ई वेस्ट का, बायोमेडिकल वेस्ट का, और जितने इंडस्ट्रियल हैजर्ड, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवरेज सिस्टम, तो सब के ऊपर डिस्कशन करने से बहुत लगा के बहुत काम किया है, लेकिन उसमें अभी बहुत कुछ करना भी बाकी है। सर, कौन से मुद्दों पर कमियाँ नजर आई? कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिनमें 100% काम हो चुका है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें 90% 80% काम हुआ है। तो अभी काफ़ी एक इच्छा शक्ति के साथ और संवेदनशीलता के साथ काम करने की जरूरत है, ऐसी हमने बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि ये नवंबर तक का हमने टाइम और दिया इसमें, कि जहाँ कंप्लायंस नहीं हुई हमारी प्लान्स के ऊपर, तो वो 30 नवंबर तक उसकी कंप्लायंस करके रिपोर्ट करें, ताकि हम अपनी एनजीटी को रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट भेज सकें हरियाणा के बारे में, सारे स्टेट की मॉनिटरिंग कमेटी जो बनी है, और उम्मीद है कि वो सारी ऐसे कंप्लायंस हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो वो हम उसमें मेंशन करेंगे जिस पॉइंट्स पर कंप्लायंस में होगी। सर, अम्बाला कोई भी एक्शन ले सकती है? सर, हम उसको लेकर किस बारे में नहीं है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ उसकी साइट बनी हुई है, वो उसके ऊपर काम हम खुद जाके देख के आए थे लास्ट टाइम पे, काफ़ी वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए थे और अच्छा काम कर रहे थे, और अब भी हम एक दो जगह विजिट करेंगे, जैसा बताया गया है कि वाकई वैसा हुआ या नहीं हुआ, वो हम ये कमेटी हमारी वहाँ जाके विजिट करके उसको भी जो अपनी फाइंडिंग होंगी रिपोर्ट में देंगे। जीटी मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर चार जिलों की सर क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या निर्देश दिए गए हैं? आज हमारी ये डिविजनल लेवल की मीटिंग थी, जिसमें हमारे एनवायरनमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान्स हैं ऑलरेडी बनाई हुई है सारे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक विलेज यूनिटी भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी, जिसकी मैडम कौशली गुलाटी हमारी फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर बाबू राम जी एक्सपर्ट मेंबर हैं, इसके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो चार डिस्ट्रिक्ट की हमने मीटिंग इसमें हमारे यमुनानगर, पंचकूला और कुरुक्षेत्र और अम्बाला। हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि ये पटाखे, मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल बजाने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बजाने चाहिए, हमें इतनी अवेकनिंग हो, इतनी अवेयरनेस हम करें कि सिवाय इसके कि शेयर वेस्टेज ऑफ मनी एंड क्रिएटिंग पोल्यूशन, पोल्यूटेड एटमोसफेयर, और कुछ है ही नहीं पटाखे में। सर, जो बैन लगाया गया उस पर, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स के ऊपर शायद हरियाणा गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, बाकी तो और दूसरे पटाखे तो बजा ही नहीं सकते, उस पर तो बैन है हरियाणा गवर्नमेंट।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।